हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी प्रदान करेंगे इबुटॉप सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो बच्चों में यूज़ की जाती है इबुटॉप सिरप जो है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त देंगे कि दोस्तों इबुटॉप सिरप जो है, इसके आपके बच्चों को क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका प्राइस है, क्या क्या सॉल्ट्स वगैरह इसमें डालेंगे और ये कैसे काम करते हैं आपके बच्चे की बॉडी पर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। इबुटॉप सिरप जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है ओवरसीज़ हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। और दोस्तों, इसमें सॉल्ट्स की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के सॉल्ट जो है डाले गए हैं। एक तो दोस्तों इसमें इबुप्रोफेन, ठीक है, दूसरा दोस्तों इसमें पैरासीटामोल, ठीक है। ब्रूफेन जो है इसमें दोस्तों 100 mg डाला गया है और पैरासीटामोल जो है 162.5 mg डाला गया, मतलब 162.5 mg इसमें डाला गया है, ओके। प्राइस और पैकिंग की बात की है तो दोस्तों, इसकी जो पैकिंग है 60 ml की बोतल की, छोटी सी बोतल का प्राइस है लगभग 36-37 रुपये के करीब, ओके। उपयोग और फ़ायदों की बात की जाए तो दोस्तों, बच्चों में इबुटॉप सिरप का उपयोग किया जाता है दर्द से राहत के लिए और बुखार का इलाज करने के लिए, ठीक है। पहले हम बात करते हैं कि दर्द से राहत में कैसे उपयोगी है इबुटॉप सिरप बच्चों के लिए। तो इबुटॉप सिरप में क्या है दोस्तों, दो दवाएं शामिल है, पैरासीटामोल और ब्रूफेन, दोनों का ही दर्द निवारक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह दोस्तों दर्द, सूजन और जलन को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों से काम करते हैं बच्चों की बॉडी में। यह दवा माइग्रेन, सर दर्द, पीठ दर्द, दांतों का दर्द, रूमेटिक और मांसपेशियों में जो दर्द होता है, जो हल्के से लेके मध्यम दर्द जो होता है, उसका इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बच्चों में, ठीक है। सूजन रोधी घटक, इस दवा को तनाव, मोच और मांसपेशियों के दर्द के लिए भी काफ़ी ज़्यादा असरदार दवा है, ये बच्चों में यूज़ की जाती है। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, बुखार का इलाज। तो बुखार के इलाज में उपयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, कि ये बुखार के कारण होने वाले अधिकतम तापमान को कम करने में मदद करता है इबुटॉप सिरप। यह दवा सर्दी और फ्लू के लक्षणों में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, जैसे गले में खराश और में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। अधिकतम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार ये बच्चे को आप दें। बहुत अधिक या जरूरत से ज़्यादा समय तक इस दवा का सेवन जो है ना करवाएं बच्चे को, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है। आमतौर पर आपको सबसे कम पावर वाली डोज देनी चाहिए बच्चे को, जो कि थोड़े समय के लिए सही ढंग से बच्चे की बॉडी में असर कर सके, ओके। अब हम बात करते हैं इबुटॉप सिरप जो है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे बच्चों में। तो दोस्तों, 4-5 से कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी करना, पेट में दर्द, पेट में जलन, दस्त और जी मचलना। अब ये दोस्तों, ये कोई गंभीर साइड इफेक्ट जो है नहीं, जो मैंने आपको बताया है, और ये बच्चों द्वारा सहन भी किए जा सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो शरीर के दवा के अनुकूल होने के बाद वे कम होने की संभावना भी हो जाती है। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक बच्चे की बॉडी में बने रहें, बच्चे को लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से जो है ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इबुटॉप सिरप जो है, ये कैसे काम करता है बच्चों की बॉडी में। तो दोस्तों, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ब्रूफेन और पैरासीटामोल, ओके। अब यह क्या है, बुखार, दर्द और सूजन, जिसे लालिमा और सूजन भी कहा जाता है, उसका कारण बनने वाले कुछ रासायनिक मैसेंजर जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोक कर काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये काम करते हैं बच्चों की बॉडी में इबुटॉप सिरप। तो अगर आपको जानकारी इजीली या जो सिंपल सी और हिंदी भाषा में समझ आ चुके, तो आप वीडियो को जो है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।